हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज हम बनाने वाले हैं लौकी के एकदम मस्त कोफ्ते, जो बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट नरम होंगे और ऐसे सॉफ्ट होंगे कि जिसे हाथ लगाते ही लगेगा कि टूट जाएंगे। ये कोफ्ते अच्छी तरह से सब्जी की ग्रेवी को सोक करके और भी ज्यादा स्वादिष्ट और साइज में पहले से भी ज्यादा बड़े दिखेंगे और जिन्हें बनाना बिल्कुल आसान और सिंपल होगा। तो चलिए बनाते हैं सॉफ्ट नरम विदाउट एक्स्ट्रा क्रीम, मलाई या ड्राई फ्रूट के थिक ग्रेवी वाले लौकी के मस्त कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है और अब हम इसमें का पानी निकालेंगे। तो इस तरह से हाथों से निचोड़ निचोड़ करके इसका पूरा पानी आप निकाल लीजिएगा। एक बार में अगर पूरा पानी ना निकले तो एक बार पूरा पानी निकालने के बाद वापस से फिर से निचोड़ लीजिएगा, क्योंकि लौकी में बहुत पानी होता है। अब ये देखिए, मैंने सारा निचोड़ करके अलग निकाल करके एक बाउल में रख लिया है और इसी बाउल में मैं सारे मसाले वगैरह मिलाने वाली हूँ। और इसका ये पानी है जो कि हमने निकाला हुआ है, ये हमें ग्रेवी में हेल्प करेगा, तो जरूर से रखिएगा, बहुत पौष्टिक होता है। और अब हम लौकी में दो हरी मिर्च को ग्रेट कर ले रहे हैं। ग्रेट करके ही डालिएगा, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और साथ ही हम थोड़ा सा अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, बहुत छोटा सा, और इसको भी ग्रेट कर लेंगे। अगर आप ग्रेट करके नहीं डालना चाहते तो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिएगा आधा चम्मच। अब देखिए, अदरक और हरी मिर्च हम डाल दिए तो कुछ हम सूखा मसाला डाल रहे हैं। सबसे पहले हम ये लाल मिर्च डाल रहे हैं, तो आधा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। साथ में हम थोड़ा सा काली मिर्च डाल रहे हैं, वो भी एक चौथाई चम्मच ही है। और इसके साथ हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं, तो धनिया पाउडर मैंने एक चम्मच लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, हल्दी भी यहाँ पे एक चौथाई चम्मच या थोड़ा सा इससे ज्यादा ले लीजिएगा। और ये मैंने जीरा पाउडर है, ये डाल दे रही हूँ आधा चम्मच के करीब। मैं सब कुछ छोटे वाले चम्मच से डाल रही हूँ। और ये गरम मसाला है, ये भी मैंने एक चौथाई चम्मच के करीब लिया है। अब हमारा करीब करीब सारे मसाले पड़ गए हैं, नमक अभी हम नहीं डाल रहे हैं। और ये हम थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं हाथ में रगड़ करके। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दोनों आता है। और थोड़ा सा धनिया आप चॉप करके वो भी डाल दीजिएगा। सारी चीजें अब पड़ गई हैं, अब हम इसमें बेसन डालेंगे। तो बेसन मैंने तीन चौथाई कप लिया है और एक साथ हम बेसन नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसन करके डालेंगे। अगर ज्यादा बेसन डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ बेसन बेसन लगेगा। और हमें लौकी का कोफ्ता बनाना है तो थोड़ा थोड़ा आप बेसन ऐड करते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। अगर फिर भी लगे कि सूखा नहीं हो रहा है तो थोड़ा और बेसन डालते जाइएगा। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए। इस चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सारा बेसन पड़ गया है और अब यह अच्छा बन करके रेडी हो गया। तो अब हम लोग इसमें नमक डालेंगे और नमक हम लास्ट में डाल रहे हैं, क्योंकि नमक डालने के बाद हमें फटाफट बना लेना है, नहीं तो कोफ्ते बाद में बनाएंगे तो फिर से ये पानी छोड़ देगा। तो अब नमक को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर ले कोफ्ते के बेटर में। और इसके बाद हम इसमें से छोटे छोटे बॉल्स लेंगे कोफ्ते बनाने के लिए। अब नमक अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अब हम बॉल्स ले लेते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा, बस नींबू के आकार का आप छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा और इसको बहुत हल्के हाथ से आप गोल कीजिएगा, बहुत हार्ड हाथ से इसको मत कीजिएगा, नहीं तो कोफ्ते की जो लौकी है एकदम से दब जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत हल्के हल्के हाथ से आप कीजिएगा। हाथ में थोड़ा सा ऑयल जरूर लगा लीजिएगा, नहीं तो गीले है ना कोफ्ते, इससे बनेंगे नहीं। ये मेरा एक कोफ्ता बन करके रेडी हो गया है, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ इसका लुक। और अब इसी तरह से बाकी के सारे कोफ्ते बनाने हैं। मेरे बाकी के सारे कोफ्ते बन गए हैं, तो चलिए फटाफट हम तल लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने अच्छा तेल गरम कर लिया है, जैसे हमें पकौड़े के लिए चाहिए होता है ना तेल थोड़ा सा ज्यादा गरम, ऐसे ही। और फिर इसके बाद एक एक करके सारे कोफ्ते डाल दीजिए और आंच को या फ्लेम को लो कर दीजिए या मीडियम कर दीजिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से हमें तलना है। इसको आप टच मत कीजिएगा, इस तरह से कढ़ाई को थोड़ा सा हिला डुला करके आप कोफ्तों को किएगा, जिससे कि ये बिल्कुल टूटे नहीं। हाथ लगाएंगे या चम्मच लगाएंगे तो बड़ी जल्दी टूट जाती है। और जब ये अच्छी तरह से एक साइड का सिक जाए तो चम्मच का हेल्प लेकर के सब कोफ्तों को पलट दीजिए। ये देखिए, मैंने सारे कोफ्ते को अब पलट दिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड को भी थोड़ा सा गोल्डन करके सेकना है। एक बैच के कोफ्ते को बनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है और इसे स्लो आंच पर ही अच्छी तरह से अच्छा क्रिस्प होने तक आपको तलना है। और ये देखिए, अब चारों तरफ से दिख रहा है ना,
बिल्कुल रेड या गोल्डन कलर का। तो अब इन कोफ्तों को हम निकाल लेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोफ्ते बहुत तेज आंच पे नहीं तलना है, नहीं तो वो ऊपर के सिक जाएंगे, अंदर के नहीं सिकेंगे। और बहुत स्लो आंच भी नहीं रखना है, नहीं तो कोफ्ते जो है फटने लगेंगे तेल में जा करके। और ये मैंने कोफ्ते को निकाल लिया है। आप देखिए मैं इसे टिश्यू पे नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि कोफ्ते बिल्कुल तेल अब्सॉर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्टली प्लेट में निकाला है। देखिए बिल्कुल सूखा हुआ है, अभी देख करके इसका कलर और टेक्सचर लग रहा है ना। बाकी प्रोसेस छोड़ो, सब्जी वब्जी बाद में बना लेंगे, पहले खा लेते हैं। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए, कोफ्ते कितने ड्राई हैं। अब मैं एक कोफ्ते को लेकर के आपको दिखाती हूँ कट करके कि अंदर में क्लौकी है या सिर्फ बेसन ही भरा हुआ है, बहुत इजीली आप देख पाएंगे। अब ये देखिए आपको दिख रहा है ना कोफ्ते के अंदर के साइड, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि लौकी कितने अच्छी तरह से दिख रही है। तो बस हमें ऐसे ही कोफ्ते बना करके रेडी करना था और वो हो गया है। अब चलिए इन कोफ्तों से सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी के लिए हम पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 2 प्याज को रफली चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, थोड़े से लहसुन और अदरक ले लिया है। मैं सबसे पहले प्याज को पीस लूंगी। प्याज को अलग पीस रही हूँ, इसका कारण यह है कि मुझे प्याज को थोड़ा दरदरा पीसना है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। और अगर आपको लगे कि प्याज पीस नहीं रहा है, थोड़ा पानी चाहिए, लौकी का जो पानी था ना वो 1/2 चम्मच डाल करके आप पीस लीजिएगा। ये देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब प्याज को हम एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। दिख रहा है ना थोड़ा सा मोटा प्याज पिसा हुआ है। अब इसी जार में जिसमें हमने प्याज था बाकी के सारी चीजें हम डाल देंगे। पहले हरी मिर्च डाला है और इसके साथ ही मैं लहसुन और अदरक डाल दूंगी और टमाटर को काट करके डालूंगी। ऐसे मत डालिएगा, थोड़ा मोटा मोटा ही काटिएगा, पर काट करके ही डालिएगा टमाटर को। और फिर इसकी भी हम प्यूरी बना लेंगे। और इस बार हम दरदरा नहीं पीसेंगे, बिल्कुल बारीक पीसना है। तो अब हम जार का ढक्कन बंद करते हैं और इसको पीस लेते हैं। इस बार हमें पानी बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि टमाटर काफी पानी छोड़ता है, ये पीस करके हो भी गया है। अब एक कढ़ाई में या पैन में हम 2 से 3 चम्मच से ऑयल ले लेंगे। सरसों का तेल मैं ले रही हूँ और इसमें मैंने 1 तेज पत्ता को बीच में कट करके डाल दिया। और ये थोड़े खड़े मसाले हैं, 4-5 काली मिर्च है, 2 इलायची पाउडर है, 1 दालचीनी। और इन खड़े मसालों के साथ साथ हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और इसके साथ ही हम हींग भी डाल देंगे। तो हींग हमें ज्यादा नहीं डालना है, बस 1 चुटकी हींग डालिएगा, काफी। और जब ये अच्छी तरह से चटकने लगे, तब हमने जो प्याज को पीस करके रखा था वो प्याज हम इसमें डाल देंगे। और अब प्याज को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है, जिससे इसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए। हम टमाटर वाली प्यूरी बाद में डालेंगे, पहले प्याज को भून लेते हैं। और तड़का देने के साथ साथ फ्लेम को आप लो कर लीजिएगा और प्याज को लगातार भूनते रहिएगा। और साथ ही इस वक्त हम इसमें 2 लाल मिर्च डाल देते हैं, साबुत लाल मिर्च ही डालिएगा, और इसको भी अच्छी तरह से भून लीजिएगा। मैंने लाल मिर्च पहले नहीं दिया, क्योंकि जैसे हम तड़के में डालेंगे ना तो कलर काला हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बाद डाल रही हूँ। अब 2 मिनट हो गया है प्याज को भूनते हुए, तो कुछ हम लोग और मसाले डाल देते हैं। तो मैंने धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला है, साथ ही अब हम इसमें लाल मिर्च डाल दे रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी मैंने 1/2 चम्मच के करीब डाला है। और इसके साथ ही हल्दी डाल देती हूँ, तो 1/4 चम्मच मैं हल्दी डाल दे रही हूँ। हल्दी और लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए ये चीजें मैं डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब। और अभी हम गरम मसाला नहीं डालेंगे, हम बाद में डालेंगे। और इन सारी चीजों को, जितने भी सूखे मसाले हमने डाला है, उसको अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स करते हुए हम भूनेंगे। मैंने और भी कोफ्ते की रेसिपी दे रखी है, जैसे बंद गोभी, फूल गोभी के कोफ्ते, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। अब इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो अब हमने जो टमाटर की प्यूरी बना करके रखी थी ना, वो हम प्यूरी पूरा डाल देंगे। और अब प्यूरी के साथ अच्छी तरह से मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना बहुत जरूरी है, अभी काफी सूखा हो गया है ना। तो जो लौकी का पानी हमने निकाल करके साइड में रखा था ना, वो पूरा लौकी का पानी इसमें डाल दीजिए और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फ्लेम को हाई कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने लौकी का पानी डाला ना जो कि ठंडा था, तो फ्लेम को हाई करना जरूरी है। और जब एक बॉईल आ जाए तो फ्लेम को वापस से स्लो कर दीजिए और 4 से 5 मिनट के लिए ढक करके इसे पकने दीजिए। तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ऊपर में आपको तेल दिख रहा है ना बिल्कुल तैरते हुए।
तो ऐसा ही हमें चाहिए था। अब एक बार मसाले को अच्छी तरह से वापस से मिक्स कर लीजिए। और अब मसाले में आपको डालना है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट करके फिर उसको अच्छी तरह से मसल करके पाउडर बना लिया था। तो आधा चम्मच कस्तूरी मेथी डाला और साथ ही हम गरम मसाला भी आधा चम्मच डाल दे रहे हैं। पहले मैंने गरम मसाला नहीं डाला था तो इस वक्त मैं डाल रही हूँ। और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। मैंने एक चम्मच के करीब नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। और फिर सब कुछ अच्छी तरह से मिला लीजिए। और अब हम इसमें गर्म पानी ऐड कर रहे हैं। तो मैंने 1.5 कप के करीब गर्म पानी इसमें ऐड किया है। गर्म पानी इसलिए मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ क्योंकि बार बार खौलाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और हाँ, फ्लेम को हाई कर दीजिए क्योंकि तुरंत बॉइलिंग चाहिए। अब देखिए अच्छा बॉइल आ रहा है इसमें। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। तो पहले हम फ्लेम को लो कर देते हैं, फिर हम कोफ्ते डालते हैं। तो एक एक करके सारे कोफ्ते डाल दीजिए अब ग्रेवी में अच्छी तरह से, ताकि कोफ्ते भी अच्छी तरह से ग्रेवी को ऑब्जर्व कर लें और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम बन करके रेडी हो। अब लीजिए, मैंने सारे कोफ्ते अब डाल दिए हैं ग्रेवी में। अब इसके साथ ही 2 हरी मिर्च को मैं स्प्लिट करके डाल रही हूँ। घबराइए मत, इससे बहुत ज्यादा सब्जी तीखा नहीं होगा और दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो इसके लिए मैं 2 हरी मिर्च को डाल दिया है इसमें। अब मैं थोड़ा सा इसमें धनिया भी डाल दे रही हूँ और इसको हम ढक करके 2 मिनट के लिए और पकने देंगे, जिससे कि कोफ्ते अच्छी तरह से ग्रेवी को ऑब्जर्व कर लें। अब देखिए ये 2 मिनट हो गया है, बॉइलिंग भी बहुत अच्छी आ रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। पूरे घर में फैल गया है खुशबू इसकी। तो अब हम फटाफट एक बार चला लेते हैं जिससे ऊपर नीचे हो जाए कोफ्ते, और वापस से हम इसको ढक करके और फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट हम और इसी तरह से पकने देंगे, क्योंकि अभी बहुत तेज था ना। तो हम इस वक्त अगर इसको इस तरह से रखेंगे तो कोफ्ते और बढ़िया से फूल करके नरम हो जाएंगे और साइज में भी बहुत बड़े हो जाएंगे। ऊपर से थोड़ा मैंने धनिया डाल दिया है। अब ये देखिए कलर और टेक्सचर देखिए, बिल्कुल यमी लग रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। तो अभी फ्लेम को आप बंद कीजिए और इसे ढक करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इन कोफ्तों को सर्व करते हैं। अब सर्विंग के लिए हमने कोफ्ते को प्लेट में या बाउल में निकालना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए बहुत ही यमी दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है कोफ्ते। और साइज देखिए, इसका साइज ही बता रहा है कि कोफ्ते बहुत बढ़िया बने हैं। और इसका लुक और टेक्सचर देखिए, आ रहा है ना मुंह में पानी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा क्रीम डाल दिया है, बहुत 1 चम्मच के हिसाब से मैंने डाला है, बहुत ज्यादा नहीं डाला है। ये सिर्फ सजावट के लिए है, आप डालना चाहे डालिए या मत डालिए। और ये एक कोफ्ते मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। और जो बच्चे नखड़े कर रहे हैं कि लौकी की सब्जी नहीं खाएंगे, उनको आप ये कोफ्ते बना करके खिलाइए, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और लौकी फटाफट खा भी लेंगे। इसे आप पूरी, पराठा, चावल या किसी भी चीज के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये कोफ्ते। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।